हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। काफ़ी टाइम के बाद आज व्लॉग मेरा डला है क्योंकि प्राशिव के पापा गए थे चंडीगढ़। उनकी कॉन्वोकेशन थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की, तो वो चंडीगढ़ गए थे। तो आफ्टर 3-4 डेज ही इज़ कमिंग बैक टुडे, और वो इतना सारा सामान लेके आए हैं, बस पूछो मत। मुझे लगता है पूरी गाड़ी सामान से भरी होगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मुझे भी नहीं पता। बस उन्होंने ये बोला कि एक्चुअली थोड़ा काम लगा है परे वाले घर पे हमारे, तो वहाँ पे लेबर वाले हैं कि उनको भी लेके आओ और बहुत सारे बड़े बड़े बैग्स भी लेके आओ और खुद भी लेके आओ। इतना सामान है मतलब घर में लाने के लिए। तो अभी मैं फटाफट से बैग्स एंड ऑल इकट्ठे करती हूँ और ऊपर निकलती हूँ रोड के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान वो लेके आए हुए हैं। तो जी मैं निकल रही हूँ रोड के लिए। ये रहे बैग्स, बहुत सारे बैग, और मुझे गाड़ी का हॉर्न भी आ रहा है वहाँ बाहर से। पार पहुँच गए, मैं दिखाती हूँ अगर आपको यहाँ से दिखें। मुश्किल है दिखना, बस वहीं पे रोड में दिखाती हूँ कहाँ। जैसे ना देखो वो येलो सा घर दिख रहा है ना, वहाँ पे पहुँच गए हैं। वो गाड़ी आपको अगर दिखी, जस्ट पहुँचने वाले। ये देखो गाड़ी दिख गई ना, लो पहुँच गया। मैं फटाफट से भागती हूँ ऊपर के लिए, उससे पहले पहुँच गई और मैं अभी तक नहीं पहुँची। कितना सामान है, थके थके से क्यों लग रहे हो? ओके दिखाओ। हाय राम, आगे भी? ओ माय गॉड, पूरी गाड़ी भर गई, कैसे उठाएंगे इसको? चलो शुरू करते भरने से। मुझे कुछ दिख रहा है क्यूट सा। राजीव का हाथी, ये बिल्कुल मेरे फोन के कलर की तरह क्यूट। चलो सामान भरते। मुझे लग रहा है कि इसमें 10,000 का तो हमारा खाने का ही सामान है। ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि वो चंडीगढ़ गए थे ना, तो मतलब डी मार्ट भी चले गए, तो वहाँ से तो आपको पता ही है, बस एक बार हाथ लगना चाहिए सामान में। तो ये गाड़ी के लिए, इसको गाड़ी में ही छोड़ देते हैं हम। जगह भी है, गाड़ी की हाल तो बहुत ही ज़्यादा खराब। और नीचे नीचे बहुत ही ज़्यादा सामान, मुझे लग रहा है कि बारिश की बूंद आ रही है। काले बादल मेरे लिए, मेरे लिए। चलो सामान भर लेते हैं ना, अभी लेबर वाला आया नहीं है, नीचे से आने देते हैं उसको। लड़के फिर थोड़ा बोलेगा, थोड़ा मैं हिंग। देखा घर में रहने का फायदा, जो भी हस्बैंड्स अपनी वाइफ के साथ किचन में काम करते हैं उनको पता होता है क्या क्या सामान ले जाना। चलो ये चीज़ तो मैं उठा लूँगी। वो गाड़ी पार्क करने चले गए मेरे हस्बैंड, एंड सामान देखिए दिखाती हूँ कितना। अच्छा शुरू करते हैं। लो अब मुझे बताओ इतना सामान कैसे कौन उठा के ले जाएगा घर पे। चलो तो फाइनली पूरा सामान घर पे आ चुका था। शाम को ही कल एक्चुअली क्या हुआ कि उसके बाद बारिश हो गई बहुत ज़्यादा और घर पे कुछ गेस्ट भी आए थे, तो जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाई। और सामान मोस्टली हमने सब कुछ रख दिया था। प्राशिव ने तो अपना ड्रेस भी पहन लिया जो उसके लिए एक ड्रेस लेके आए थे उसके पापा, तो इसके लिए भी बहुत सारा सामान लेके, और बाकी सामान भी मैंने रख दिया ऑलमोस्ट। तो दिखाती हूँ आपको, मेनली इसका ही दिखाती हूँ थोड़ा बहुत जो क्यूट क्यूट सा सामान लेके आए हैं। रुको के लिए फॉर द टाइम बींग, जब तक घर का काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ आर स्टोर रूम टाइप ही है। तो कुछ सामान मैंने यहाँ भी छोड़ा था, मैंने सोचा ये आपको दिखाना मैं चाहती थी। वैसे मेनली ये तो क्रीम है, ये तो हटा देती हूँ, ये वहीं से। ये जो है मैंने कुछ कॉफ़ी ऑर्डर किया था, फ्लेवर्ड कॉफ़ी, तो स्पेशली ये मेरी कॉफ़ी आ चुकी है, एंड इससे थोड़ा बहुत सामान अपना भी था तो वो भी आ चुका है। और ये बहुत ही अमेजिंग कॉफ़ी है, मतलब इसका फ्लेवर ना मैं आपको क्या बताऊँ। बटर स्कॉच तो आपको पता ही है, बटर स्कॉच है, वेनेला है, एंड हेज़ल नट एंड ऑल, तो वो सारे फ्लेवर इसमें है। और इसके साथ ही साथ कुछ ये डार्क कॉफ़ी भी आई है, तो मतलब बहुत ही अमेजिंग कॉफ़ी है ये, ट्राई करना अगर कोई कॉफ़ी लवर है ना तो जरूर ट्राई करना। बहुत सामान हमने स्टोर में रख दिया है, जिसमें कि मतलब ये वाला बॉक्स में खाने पीने वाला कुछ सामान डाला है। तो मुझे अभी एक चिप्स लेके जाना है जो मेरे हस्बैंड मांग रहे हैं, मुझे पता नहीं है वो इसमें रखा है या कहीं और है।
मुझे इसमें तो कहीं नज़र आ नहीं रहा, इसमें तो कुछ और ही सामान है, वो आई थिंक कहीं और ही है, तो मैं निकाल के उनको दे देती हूँ पहले। तो इसमें तो है नहीं वो, ओके इसमें है, वो पीछे को रखा हुआ है, और भी काफ़ी सामान यहाँ डाला है मुझे, मतलब अभी जब तक घर की सेटिंग नहीं होगी तब तक सामान ऐसे पड़ेगा। ये रहा वो मिर्च वाला चिप्स, मिलेगा थोड़ा सा क्योंकि मैं ज़्यादा मिर्च वाला खा नहीं सकती अभी फ्रेशी की वजह से, तो थोड़ा सा भी मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, कल जो प्राशिव के लिए उसके पापा ने सॉफ्ट टॉय लाया था, तो अभी वो उसके साथ खेल रहा है, और उसका थोड़ा बहुत सामान भी मैंने रख दिया है पैक करके, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मतलब ऐसे ही देख लो, तो मैंने ऐसे पैकेट्स में ही रखा है, मतलब मैंने ना निकाला नहीं है, बाद में ही करूँगी इसका सेटिंग। ये थोड़ा सा वार्मर्स है इसके लिए, और ये इसके एक पेयर बूट्स का है, वार्म बूट्स क्योंकि आजकल ठंड है ना, और एक सेट ये इसकी क्लोथिंग का है, इसकी कैप्स एंड ऑल, तो ये सब उसमें था, मतलब सामान में इसमें काफ़ी कुछ सामान है नीचे नीचे, तो पूरा क्या दिखाना, थोड़ा बहुत सा देख लो। एंड एक ये इसका बड़ा ज़रूरत होता है, मतलब बच्चे वाले लोग समझ ही सकते हैं कि इसमें इसके कपड़े रखने के लिए ना, ये देखो थोड़े बहुत कपड़े, इसकी टॉवल ब्लैंकेट्स एंड ऑल, इसके बूट्स है इसमें, तो ये मतलब हैवी सामान इसमें आ जाता है। और एक ये फ्लीस जैकेट ये लेके आए थे घर पहनने के लिए, और थोड़े बहुत कपड़े मैंने इसके इस पे रखे हैं जिसका भी थोड़ा मैसी है, मैं इसको ठीक कर दूँगी, मतलब कैप्स एंड ऑल ऊपर, फिर इसका स्वेटर्स, इसके पजामा, जॉगर्स एंड ऑल, वो सब। एंड ही इज़ बिजी हेयर, बड़ा खुश हो रहा है खेलने में इसके साथ। तो मैंने सेटिंग कर दी कपड़ों की, इसमें भी रख दिया ढंग से, और यहाँ पर भी जो उथल पुथल था वो सामान रख दिया है। और ये जो आप देख रहे हो ना कैप, ये मतलब भाभी ने दिया था मुझे, थोड़ी टाइट है क्योंकि मंकी कैप है ना, तो थोड़ी टाइट है, तो मैंने ये प्राइशिप के बॉल में फंसा दी ताकि थोड़ी सी ढीली हो जाए इसको। तो आज के लिए व्लॉग में इतना ही, व्लॉग को करूंगी यहीं पे एंड। व्लॉग छोटा सा था बट काफी दिन हो गए थे, तो सोचा कि आज थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं थे, तो घर पे कुछ इतना मेनली होता नहीं है करने के लिए, इसलिए मेरे डेली व्लॉग बनते नहीं है। देखो बच्चे के साथ यू नो कि मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा ऑफिस का काम भी होता है, बेबी के साथ भी टाइम नहीं लगता ज़्यादा व्लॉगिंग का, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग कुछ घूमने फिरने निकलेंगे, और मतलब कहीं जाना होगा तो फिर मतलब फिर व्लॉग्स बनाने का मज़ा आता है और आपको देखने में भी मज़ा आएगा। बट हाँ, थोड़ी बहुत जो अपडेट होगी वो मैं बीच बीच में देती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, देखते रहना मेरे व्लॉग्स। ओके बाय।